हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज अपन बात करेंगे गुड हाउसकीपिंग के बारे में। देखिए, कोई भी आप वर्क प्लेस पर हैं, कोई भी काम वहाँ चल रहा है, तो काम तो चल रहा है, उसके साथ साथ हाउसकीपिंग पे आप कितना ध्यान दे रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कहीं भी अगर सेफ्टी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हाउसकीपिंग पर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप उस जगह की साफ़ सफाई नहीं करेंगे जहां आप काम कर रहे हैं, तो कैसे वहां सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मान लीजिए इनकेस आपने वहां कोई भी वर्क करवाया, ठीक है, अब वर्क करने वाले ने कील भी यूज़ किया, हथौड़ा भी यूज़ किया और भी कोई सारे सामान यूज़ किए, और उसका काम ख़त्म हो गया, उसने अपना सामान लिया और वो चला गया, बाकी की जो कील थी और भी कुछ सामान थे वो सारे ज़मीन पर रह गए। अब क्या होगा, कोई भी बाहर से आया, उसने इतना ध्यान नहीं दिया और वो सारी चीज़ें उसके पैर में चुभ गई, या कोई भी चीज़ ऐसी आई जो क्या है उसको हार्म कर गई, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए क्या ज़रूरी है, हाउसकीपिंग करना। अगर हम हाउसकीपिंग ठीक से रखेंगे तो इस तरीके के एक्सीडेंट्स को हम रोक सकते हैं, ठीक है। कोई भी जगह है, वहाँ पर कोई भी मटेरियल काम के लिए यूज़ किया गया, उसके बाद अगर वहाँ की सफाई ना करी जाए, प्रॉपर हाउसकीपिंग ना करी जाए, जो सामान जहाँ से लिया गया है प्रॉपर वहाँ ना रखा जाए, तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि जो सामान जगह पे था वो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो और कहीं रखा होगा, या हो सकता है उन चीज़ों के होने से कोई एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हाउसकीपिंग जो है वो वहाँ मेंटेन रखें। क्योंकि गुड हाउसकीपिंग जो है वो क्या है, की है अपने वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए, ठीक है। और ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर हाउसकीपिंग जो है वो ठीक से मेंटेन की जाए, हाउसकीपिंग जो है वो ठीक से रखी जाए। अगर जितनी ही साफ़ सफाई आप रखेंगे उतनी ही अच्छी आप अपनी वर्क प्लेस को रख पाएंगे, उतने ही ज़्यादा आप एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आई, हाउसकीपिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग आपके हर काम को सेफ एंड सिक्योर बना सकती है। एक इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग आपके वर्क प्लेस में होने वाले एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकती है। हाउसकीपिंग रखने से आपको बहुत सारे तरीके के बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी फर्स्ट अगर रखनी है तो आपको हाउसकीपिंग भी उसकी टाइम टाइम पर करनी होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हार्म हो सकता है। अब हमने कुछ ऐसे हार्मफुल या हजारडियस मटेरियल यूज़ में लिया क्योंकि वो लेना ज़रूरी था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमने उसको प्रॉपरली प्लेस नहीं किया, कहीं उसकी जो जगह है वहाँ नहीं रखा, तो क्या होगा, किसी को नहीं पता कि ये किस तरीके का मटेरियल है, तो वो उसे छू सकता है, यूज़ कर सकता है, और अगर उसने यूज़ किया तो हो सकता है उसको हार्म हो, क्योंकि उसे तो नहीं पता ना ये किस तरीके का मटेरियल है और किस तरीके से यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम हाउसकीपिंग अगर ठीक से मेंटेन करें तो हम अपने वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जिस भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर है मान लीजिए, ठीक है, अब वहाँ पे आपने एक इवैक्यूएशन डोर बनाया है, इवैक्यूएशन वे बनाया है, ठीक है। अब वो इवैक्यूएशन वे ही अगर क्लियर ना हो, उसकी प्रॉपर से हाउसकीपिंग ना की गई हो, तो अब आपको एमरजेंसी इवैक्यूएट करना है वहाँ से, तो आप कैसे इवैक्यूएट कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पर भी हाउसकीपिंग रखना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्लेस पे देख लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, या कोई भी जगह हो, वहाँ सभी जगह पर हाउसकीपिंग रखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है, अब मान लीजिए कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहाँ बहुत सारे सामान यूज़ में रखे जा रहे हैं, जो रास्ता है हो सकता है वहीं काम कर रहे हों, तो वो सामान अभी पड़ा हुआ है, ठीक है। पर अगर जब भी आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अगर उस सामान को रखा नहीं गया ठीक से, तो क्या होगा, जो आपका वे है, आने जाने का वे है, या इवैक्यूएशन वे है, या इमरजेंसी वे है, कोई भी पाथ है, कोई भी वे है, तो क्या होगा, आप उधर ठीक से जब इमरजेंसी पड़ेगी तो गिर भी तो सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑयल से काम किया उस जगह पर, अब वो ऑयल की हाउसकीपिंग नहीं की, मतलब साफ़ सफाई नहीं की, ऑयल रास्ते में ही पड़ा है, अब कोई इंसान वहाँ से भारी सामान लेके जा रहा है और वो गिर गया, ये भी तो हो सकता है ना। तो इन सारी चीज़ में अगर आप अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी ठीक से रखना चाहते हैं, तो वहाँ सभी जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि आप उस जगह पर हाउसकीपिंग करवाएं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाउसकीपिंग किसी किसी जगहों पर ही कराई जाती है, हर जगह जहाँ आप काम कर रहे हैं, सेफ्टी मेंटेन रखना चाहते हैं, उस हर जगह पर आपको हाउसकीपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक इफ़ेक्टिव हाउसकीपिंग क्या है, अपने सेफ्टी की है,
जब हम बोलते हैं सेफ्टी फर्स्ट, तो वहाँ हाउसकीपिंग फर्स्ट पहले रखनी पड़ेगी, तभी हम सेफ्टी रख सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो भी आपके आने जाने के रास्ते हैं या कोई भी एक जगह है जहाँ पे आपको और भी वर्क करने पड़ते हैं, तो अगर आप ठीक से हाउसकीपिंग रखते हैं तो आप वो काम इजीली तो कर ही सकते हैं, साथ ही वहाँ के एक्सीडेंट्स भी रोक सकते हैं। ठीक है, अब आप किसी भी वर्क प्लेस पर हैं तो वहाँ सेफ्टी फर्स्ट तो है ही, सेफ्टी तो आपको रखनी ही रखनी है। तो उनमें से जो पॉइंट्स सेफ्टी के लिए रखे जाते हैं, उसमें से एक पॉइंट है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो बहुत हद तक अपने वर्क प्लेस की सेफ्टी आप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाउसकीपिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो भी आपने किया है काम उसके बाद वहाँ की हाउसकीपिंग कराना ज़रूरी है। जो भी वर्क वहाँ चला है, ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद हाउसकीपिंग कराना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर हाउसकीपिंग भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपके वहाँ होने वाले एक्सीडेंट्स रुक पाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, सेफ्टी हम अपनी जगह पर रख सकते हैं, वर्क प्लेस पर सेफ्टी मेंटेन रख सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया हाउस कीपिंग के बारे में। हाउस कीपिंग में यही है, क्यों रखना ज़रूरी है ऐसे, ताकि हम अपने वर्क प्लेस की सेफ्टी मेंटेन रख सकें। वहाँ की साफ़ सफाई जितने अच्छे से होगी, उतनी हम एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं। कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं उसके बाद अगर हमने तुरंत हाउस कीपिंग करवाई, तो कोई भी ऐसी नौबत नहीं आएगी जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो पाए। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो या इंडस्ट्रियल साइट हो, सब जगह, हर जगह हाउसकीपिंग रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हाउसकीपिंग का मतलब यही नहीं साफ़ सफाई, साफ़ सफाई के साथ साथ हर सामान को उसकी जगह पर रखना, ताकि लोगों को इधर उधर ढूंढना ना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, हाउसकीपिंग के अंदर। तो हाउसकीपिंग भी सेफ्टी के साथ साथ एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सेफ्टी रखनी है तो हाउसकीपिंग आपको रखनी ही होगी। तो आज ये सब मैंने आपको हाउसकीपिंग के बारे में बताया। सो थैंक यू।